पानी जो है सुनना बार बार हम सुनते हैं कई जगह, यहाँ पे आपका स्वागत है, प्लीज दो शब्द आप संबोधन दें। राधे राधे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओम बरहा फीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सर्वप्रथम तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसा कि आपको विदित है क्योंकि नारायण सेवा संस्थान आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सेवा का ही दूसरा नाम नारायण सेवा संस्थान है। और ये नारायण सेवा संस्थान जिसका मूल सूत्र है, जिसका मूल उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि परमात्मा को ना तो किसी ने आते हुए देखा ना परमात्मा को किसी ने जाते हुए देखा, आप ही के बीच में, आप ही के भीतर सब में नारायण बस रहे हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, विवेकानंद जी ने कही, अगर कोई असहाय है तो असहाय को यदि हम कुछ उसको द्रव्य या जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसको कुछ देते हैं तो ये समझना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, किंतु ये भाव आना चाहिए कि भगवान ने उसके भीतर असहाय बनकर हमारे उस दान को लेने के लिए भगवान ने हमको एक रूप प्रदान किया है, जिसको कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो नर के ही भीतर नारायण विद्यमान है, घट घट में राम विराजमान है, सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो घट घट वासी वो राम है, तो उसकी सेवा ही भगवान की सेवा है। तो नारायण सेवा संस्थान आज जो, और एक शास्त्रोक्त दृष्टि से भी शास्त्र में लिखा है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि आज मकर संक्रांति के दिन जो घी का दान करता है, जो कंबल का दान करता है, अथवा जो जो ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं आप तिल के बने हुए लड्डू हैं, तिल का जो दान करता है उससे भगवान सूर्यनारायण अति प्रसन्न होकर उसको भगवान क्या देते हैं, सुख शांति समृद्धि देते हैं, क्योंकि ये सूर्यनारायण से संबंधित भी एक पर्व है। तो सूर्यनारायण भगवान की इतनी महिमा है, इस प्रकार से आज जब हम दान करते हैं तो सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या लिखा है, आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करता है, बोले जन्मांतर सहस्रेशु, एक दो जन्म तक नहीं अपितु 1000 जन्मों तक दारिद्र्यम नोपविद्यते, वो कभी भी दरिद्र बनकर पैदा नहीं होता है। ये इसका पर्व का बहुत विशेष महत्व है, और इसमें खिचड़ी का जो प्रसाद लगता है, देखो जब बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो, जब कोई बात भी करते हैं तो कहते हैं अरे कोई खिचड़ी पक रही होगी तुम्हारे बीच में, तो कहने का तात्पर्य जब हम एकत्रित होते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, खिचड़ी पक रही है। तो और जब खिचड़ी बनती है उसमें भी कई चीजें डलकर खिचड़ी बनती है, तो एकत्रीकरण का नाम ही खिचड़ी है, अर्थात ये जो पर्व है हमको एकत्व होने का भी एक संदेश देता है कि हम संगठित हों, हम एकत्व हमारे अंदर होना चाहिए, जब एकत्व हम होते हैं तो फिर हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, तो यही संदेश हमको यहाँ से लेना चाहिए। और जोशी जी यहाँ पर जो देहरादून का पूरा भार जिनकर के ऊपर यहाँ पर जो देखते हैं संस्था को, तो आप इनको अधिक से अधिक सहयोग करते हैं तभी ये आगे आप लोगों की नर के रूप में नारायण की सेवा करते हैं, तो आगे भी आप इस संस्थान को बहुत सहयोग करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं भी जैसा कहा कि 13 वर्षों से इस संस्थान से जुड़ा हूँ, और मैंने वहाँ पर जाकर संस्था के कार्य को देखा है, तो नारायण सेवा में जो दान देता है तो समझ लेना वो सीधा सीधा एक सुंदर सेवा में वो दान लग रहा है। तो इसी के साथ पुनः आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने भी ये कंबल दान के रूप में दिया है वितरण के लिए, उन दानी दान दाताओं का भी मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। राधे राधे, धन्यवाद।